सेठ और ठग, जो चीज़ें आप दूसरों में ढूंढते हैं वो आपके पास ही हैं। एक अमीर आदमी जिसका हीरों का व्यापार था, वह व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाता रहता था। एक बार उसे विदेश जाना था, हवाई जहाज से रास्ता 2 दिनों का था। वह एयरपोर्ट पहुंचा, हवाई जहाज का समय हुआ तो वह हवाई जहाज में बैठ गया। लेकिन इस हवाई जहाज में एक ठग भी बैठा था, जिसको पता था कि सेठ के पास हीरे हैं, जिसे वह रात के समय में आसानी चोरी कर सकता है। उसने रात होने का इंतजार किया। रात होते ही सेठ ने खाना खाया और सोने लगा, लेकिन उसे अपने हीरों की याद आई। उसने सोचा कि अगर कहीं वह सो गया तो उसके हीरे चोरी हो सकते हैं, तो क्यों ना आज जाग ही लिया जाए। तो सेठ जाग रहा था, इतने में चोर को नींद आ गई और अब सेठ को भी नींद आने लगी। सेठ ने सोचा कि सोने से पहले हीरों को कहीं छुपा देता हूँ। सेठ के दिमाग में एक उपाय सूझा कि क्यों ना हीरों को इस आदमी की जेब में रख दिया जाए जो बगल वाली सीट पर सो रहा है। सेठ ने हीरों को उसी आदमी की जेब में रख दिया जो बहुत बड़ा ठग था और सेठ की बगल वाली सीट पर ही बैठा सो रहा था। लेकिन सेठ इस बात से बेखबर था कि वह आदमी ठग है, और फिर हीरे उसकी जेब में रख कर सेठ भी सो गया। कुछ देर बाद ठग की आँख खुली तो देखा कि सेठ तो सो गया है, अब इसके हीरे चोरी कर लिए जाएं। ठग ने हीरे ढूंढने शुरू कर दिए। सारी रात हीरे ढूंढने के बाद हीरे नहीं मिले और सुबह हो गई। सारी रात जागने के कारण ठग को सुबह नींद आ गई। सेठ की आंखें खुली तो देखा कि वह आदमी जिसकी जेब में हीरे रखे थे वो अभी भी सो रहा है। तो सेठ ने उसे परेशान किए बिना ही अपने हीरे उसकी जेब से निकाले और अपने पास रख लिए। कुछ देर बाद ठग भी जाग गया। ठग ने सोचा रात को तो हीरे हाथ नहीं लगे, लेकिन आज रात को जरूर हीरे मुझे मिल जाएंगे। पूरा दिन गुजर गया। शाम हुई, सेठ ने खाना खाकर अपना लैपटॉप निकाला और थोड़े समय के लिए कुछ काम किया। अब रात हो चुकी थी तो सेठ ने अपने हीरों के लिए जागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद आने लगी। उस ठग ने भी खाना खाया, अब उसे भी नींद आने लगी थी। कुछ देर बाद ठग सो गया। अब सेठ ने फिर वही तरीका अपनाया और हीरे उसी ठग के जेब में रख दिए जिसकी जेब में पहली रात को रखे थे, और सेठ भी सो गया। कुछ देर बाद ठग की नींद खुली और देखा कि सेठ तो सोया हुआ है, अब इसके हीरे चोरी कर लेता हूँ। ठग ने आज फिर से हीरों की खोज शुरू कर दी, लेकिन ठग हीरे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और हीरे नहीं मिले। हार कर ठग भी सो गया। सेठ सुबह जल्दी उठा और अपने हीरे ठग की जेब में से निकाल लिए। इतने में वो जगह भी आ गई जहां उसे जाना था। हवाई जहाज नीचे उतरा और सभी यात्री उतरकर चल दिए। लेकिन ठग के मन में यह विचार आ रहा था कि आखिर सेठ ने हीरे कहां छुपाए थे जो मुझ जैसे ठग को भी नहीं मिले। कुछ देर बाद उसे सेठ भी मिला तो उसने सेठ से पूछ ही लिया कि सेठ जी, मैं एक बहुत बड़ा ठग हूँ जिसने अच्छों अच्छों को नहीं बख्शा, लेकिन इन 2 रातों में मैंने आपके हीरे सभी जगह खोजे लेकिन हीरे नहीं मिले। आपने हीरे कहाँ छुपाए थे? अगर आप आज मुझे ये राज बताएंगे तो कसम से मैं आज से ही ठगी छोड़ दूंगा। सेठ को मालूम हुआ कि जिसकी जेब में मैंने अपने हीरे रखे थे वो एक बहुत बड़ा ठग है। सेठ ने ठग को कहा कि मूर्ख आदमी, जिन हीरों को तूने सभी जगह ढूंढे वो हीरे तो मैंने तेरी जेब में ही रखे थे। तू उन्हें अपने आप को छोड़कर सभी जगह ढूंढता रहा। अगर तू इन्हें अपने पास भी ढूंढता तो तुझे ये बड़ी आसानी से मिल जाते और तू मालामाल हो जाता। जिस तरह ठग हीरों को अपने आप के पास न ढूंढकर सभी जगह ढूंढता रहा लेकिन हीरे नहीं मिले, उसी तरह हम सोचते हैं कि हमें कोई और बताए कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर नहीं देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या काबिलियत है, हम किस कार्य के लिए बने हैं। इसीलिए हम बस दूसरों का इंतजार ही करते रह जाते हैं। समय बीतता जाता है और हम जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। अपने अंदर देखो कि हम क्या कर सकते हैं और उसे ही लक्ष्य बनाइए। आगे बढ़ते चलो, आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी। दूसरों पर ध्यान लगाने से अच्छा है कि अपने आप पर ध्यान केंद्रित कीजिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।